नगर निगम कर्मचारी संघ और अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संघ नगर निगम मुरादाबाद के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम सहित कई भाजपा नेता और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संघ नगर निगम मुरादाबाद के नव निर्वाचित अध्यक्ष राजू भाई अम्बेडकर ने बताया कि नगर निगम कर्मचारी संघ अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संघ नगर निगम का ये संयुक्त रूप से शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम हुआ है। चौहान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। छोटे भाई मोहित चौहान साहब से रिश्ता भाई जैसा रहा है, वो इस कर्मचारी संघ के महामंत्री चुने गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, मंच की तरफ से दिल की गहराइयों से उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी श्री रमेश दिवाकर साहब, श्री सचिन भाई, श्री ज्योति जी, श्री शराफत साहब, श्री कदीर साहब, श्री शमशाद साहब, मनोज भाई, श्री सादाब अली साहब, श्री अतीक मिर्जा साहब और पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निगम की दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अभी मेयर साहब से यही कह रहा था कि पहली बार ये देखने में आया है कि निगम की दो संस्थाएं एक साथ, दो संघ एक साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं और एक साथ शपथ ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा संदेश है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम में किसी भी कर्मचारी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। जो भी लंबित मांगे हैं, नगर निगम के प्रशासन के साथ साथ हम सेतु के रूप में कार्य करके हम समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। सर्वप्रथम तो मैं नगर निगम परिवार के समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों का इस मंच की और आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं धन्यवाद अदा करूँगा। हालांकि उनका धन्यवाद अदा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत लेन देन, बैंक कर्ज ये उतार सकता हूँ, लेकिन कर्मचारियों के इस अपार या प्रेम का कर्ज मैं नहीं उतार सकता। मैं समस्त कर्मचारी जो हमारे विभागों के हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आज मेरे पास उनके धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। मैं दूसरी बार चुना गया हूँ और बीच के दो साल जो दूसरा कार्यकाल था वो कोरोना की वजह से संगठन ने विस्तार कर दिया था उसका, और आज मैं बेहद खुश हूँ कि सारे कर्मचारियों ने एक मत एकजुट मुझे फिर पुनः अध्यक्ष चुना। मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँगा और पुनः सबका धन्यवाद, अतिथिगण का धन्यवाद, मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। और इसमें एक स्पेशल चीज़ यह है कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि सारे कर्मचारी विभिन्न कौमों के एक प्लेटफॉर्म पे हों। यहाँ 30 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज सारे संगठन, मैंने गंगा जमनी तहजीब जिंदा रखी, SC ST कर्मचारी और हमारे दोनों संगठन की शपथ ग्रहण यहाँ पंचायत भवन सभागार में हुई है। ये एक प्रतीक चिन्ह है मुरादाबाद के लिए कि हम लोग जो है संगठित रहेंगे, तभी हम जो है जिंदा रहेंगे, तभी हम अपना कोई कार्य करा पाएंगे। नगर निगम कर्मचारी संघ के चुनाव में तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए नव निर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद सुभान ने कहा कि हमारे विभागों के जो कर्मचारी हैं उनका कर्ज में कभी नहीं चुका सकता। उन्होंने कहा कि वो दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं और बीच में कोरोना काल के चलते संगठन का विस्तार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कर्मचारियों का दिल से आभार। सबसे पहले जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि देखिए हमें आईना जो दिखाते हैं वो मीडिया वाले दिखाते हैं। इस मंच के माध्यम से मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए आज ये ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ है ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का द्योतक है और इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ और नगर निगम कर्मचारी संघ का जो एक ज्वाइंट एक संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इस बात की मिसाल है ये कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जागा कि हम ये महसूस करते थे कि ये विरोधाभास करते थे और हम सबसे पहले उन लोगों का जो है वो कलेक्टेड कर्मचारी हो, चाहे कर्मचारी रेलवे का हो, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं इसे डाइस के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथियों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर निगम में किसी भी कर्मचारी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। हम ये वादा करते हैं आपसे कि जो भी लंबित मांगे हैं निश्चित रूप से नगर निगम प्रशासन के साथ
हम सेतु का रूप में कार्य करके उन समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। हम बी आर अम्बेडकर को साक्षी मानकर उनके अनुयायी हैं और ये आपसे वादा करते हैं कि अब नगर निगम में किसी भी कर्मचारी के अधिकारों का हनन नहीं होगा और नगर निगम प्रशासन से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों की पीड़ा समझनी चाहिए, उनकी जो लंबित मांगे हैं और उस पर सहानुभूति कराए। और मैं खासकर नगर निगम प्रशासन महापौर जी विनोद अग्रवाल जी का शुक्र अदा करना चाहूँगा। गौरतलब है कि इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।